श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई का गांव शिरडी अब गांव नहीं, दुनिया का सबसे हाईटेक तीर्थ बनने जा रहा है। आज आप जो शिरडी तीर्थ देख रहे हैं वो कल कैसा होगा, उसकी तस्वीर हम आपको आज ही दिखाने जा रहे हैं। भविष्य में साई का गांव शिरडी ऐसा होगा जो श्रद्धा का शहर होने के साथ साथ हाईटेक शहर होगा। शिरडी को नया लुक देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में साई समाधि मंदिर का और दूसरे फेज में शिरडी नगर का विकास किया जाएगा। इस प्लानिंग के तहत शिरडी नगर को साई सिटी बनाया जाएगा। 3,000 करोड़ का बजट राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयत्न से सैंक्शन किया गया है। प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं इसका स्केल बहुत बड़ा हो और वो आगरा पर चाहे उनकी सुविधा के अनुसार एयरपोर्ट के उद्घाटन में या सेंटेनरी के उद्घाटन में जरूर आएंगे। साई सिटी में साई बाबा की 121 फीट की विशाल मूर्ति स्थापित की जाएगी जो इस सिटी की पहचान होगी। साई सिटी में सबसे पहले दर्शन की सुविधा को बेहतर किया जाएगा। इस समय तकरीबन 75,000 भक्त शिरडी साई बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। बृहस्पतिवार और छुट्टी के दिन यहां शिरडी आने वाले साई भक्तों की संख्या तकरीबन 1,00,000 तक की होती है। गुरु पूर्णिमा, रामनवमी जैसे दूसरे मौकों पर दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 2,00,000 तक पहुंच जाती है। आम दिनों में भी भक्तों को दर्शन करने के लिए तकरीबन 5 से 6 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। स्मार्ट साई सिटी में दर्शन के लिए ये वक्त काफी कम हो जाएगा। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। मैट्रिक सिस्टम के तहत इस तरीके से यहाँ पर आने वाले भक्तों के कार्ड को स्कैन किया जाता है। स्कैन करने से ना सिर्फ भक्तों का नाम, पता, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, तस्वीर और उनके फिंगरप्रिंट जैसी जानकारियां संस्था के पास जमा हो जाती हैं, बल्कि उनके मंदिर में आने और मंदिर से बाहर निकलने का समय भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब शिरडी साई बाबा के दर्शन के लिए ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुक कराया जा सकता है। अगर आपने दोपहर 2 से 3 का स्लॉट बुक किया है तो आप दर्शन की लाइन में 2 बजे खड़े होंगे और 3 बजे से पहले आप बाबा के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल सकेंगे। फैसिलिटी बहुत अच्छी दी गई हमें साई भक्तों सबको। हाँ, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उससे जल्दी दर्शन होते तो बच्चे घंटे लाइनों में खड़े रहते थे। बाबा के भक्तों की तस्वीर और बायोमेट्रिक जानकारी भी ट्रस्ट के पास होगी। आने वाले वक्त में आधार कार्ड को भी इस रजिस्ट्रेशन से लिंक कर दिया जाएगा जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। बायोमेट्रिक दर्शन काउंटर्स वहाँ पर होंगे, सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पर होगी, ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी यह बिल्डिंग होगी। उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे वेटिंग हॉल्स होंगे और ये सारे वेटिंग हॉल्स एयर कंडीशन होंगे। लिफ्ट की सुविधा इसमें रहेगी, वो लोगों को उस हॉल में से निकाल करके दर्शन कतार में वहाँ पर प्रवेश दिया जाता है और यह दर्शन कतार स्काई वॉक से डायरेक्ट मंदिर के हॉल के साथ में जुड़ी रहेगी। मौजूदा क्षमता के मुताबिक 20,000 साई भक्त एक साथ लाइन में खड़े हो सकते हैं और तकरीबन 4,000 भक्त प्रति घंटे साई के दर्शन पाते हैं। नई व्यवस्था के तहत 10,000 भक्तों को ही लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और 1 घंटे के भीतर ही दर्शन पूरा हो जाएगा। साई की आरती के अलावा ये मंदिर भक्तों के लिए तकरीबन 16 घंटे के लिए खुला रहता है। रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा साई भक्त यहाँ पर आकर के बाबा के दर्शन ले सकते हैं और आने वाले 1 साल के अंदर इस 5 करोड़ जो साई भक्त हैं उनका स्वागत शिरडी साई संस्थान आसानी से कर सकता है। अपने पसंदीदा टाइम स्लॉट में मंदिर परिसर में लाइन में खड़े रहने पर आपको बेहतरीन सुविधा मिल सके, इसका भी ख्याल रखा जाएगा।
इस इमारत से एक स्काई वॉक भी जुड़ा होगा, जिसके 3 अलग अलग गेट होंगे, जिससे आप अपने होटल से भी सीधे स्काई वॉक से जुड़ेंगे। और ये स्काई वॉक सीधे बाबा के धाम में आपको ले जाएगा। यानी बाबा का दरबार अब दुनिया का सबसे हाईटेक मंदिर बनने जा रहा है। अब तक हमने आपको शिरडी में साई मंदिर के नए रूप के बारे में बताया, आगे बताएंगे कैसे शिरडी होगा दुनिया का सबसे स्मार्ट धाम। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, शिरडी।